मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मेन मार्केट की सेम मोबाइल दुकान पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में स्पेशल पुलिस टीम ने छापामार कार्यवाही के दौरान सैकड़ों से अधिक बिना बिल के स्मार्टफोन मोबाइल जब्त किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि मिसिंग मोबाइल की शिकायत थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा जांच कार्यवाही की गई, जहां सेम मोबाइल दुकान में बिना बिल के मोबाइल रखे हुए पाए गए, जिन्हें जब्त करते हुए कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि आपराधिक प्रतित्व के लोग अक्सर मोबाइल दुकानों से बगैर बिल के मोबाइल कम रेट पर खरीद कर ले जाते हैं और आपराधिक क्षेत्रों में उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा जन जागरूकता को लेकर जिले के सभी मोबाइल दुकानदारों को बिल से ही मोबाइल बेचने की सलाह दी गई थी। वहीं कार्रवाई होने के पूर्व से भी पुलिस को सेम मोबाइल दुकान में बगैर बिल के मोबाइल होने की सूचना मिल रही थी, जहां पुलिस के द्वारा दुकानदार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन मोबाइल दुकानदार के द्वारा कानूनी प्रक्रिया को लेकर सावधानी ना बरतने के कारण पुलिस के द्वारा की कार्रवाई से होकर गुजरना पड़ा। वहीं छापामार कार्रवाई के दौरान कोतवाली TI रूपरेखा यादव, SP स्कॉट एवं कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद रही। पेशे उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। द्वारा मोबाइल गुम होने की शिकायत की गई थी, जिसे हमारी साइबर टीम द्वारा ट्रेस किया गया। जिस व्यक्ति के पास मोबाइल मिला है, उसने वो मोबाइल सेम मोबाइल की जो दुकान है शहर में, उससे खरीदना बताया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हमने सेम मोबाइल पर रेड की। वहाँ पर जो बिना बिल के मोबाइल थे, उन्हें हमने जब्त किया है और जांच जारी है। जो सबसे ज्यादा उपयोग होती है आज के तारीख में, वो मोबाइल उपयोग होते हैं। आदमी कहीं पे भी बैठा रहता है और कहीं पे किसी आदमी को इशारा करके, निर्देश करके अपराध करवा लेता है। परंतु मोबाइल के जो विक्रेता हैं, जो मोबाइल को बेचते हैं, उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब मोबाइल देते समय ऐसे व्यक्ति को मोबाइल दें जो जो बिल कटाने को तैयार हो, जो जो सही व्यक्ति हो। बेचना तो उनका हक है, परंतु इस बात को भी देखना है कि इस मोबाइल का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, और जो व्यक्ति ले रहा है उसको बिल देना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी प्रकार से अपराध करेगा तो IM नंबर होता है, उससे वो ट्रेस हो जाएगा। और ज़्यादातर पुलिस जो है आजकल CDR और जो IMA नंबर होता है, उसी से अपराधियों को पकड़ती है। तो हम सभी मोबाइल विक्रेताओं से अपेक्षा करते हैं, आग्रह करते हैं कि मोबाइल बेचते समय निश्चित रूप से बिल दें, उससे शासन को भी फायदा हो और अपराध में भी अंकुश लगेगा। ये जो मामला आया उमरिया में प्रकाश में कि इसमें बिलों का उपयोग नहीं किया गया है, मोबाइल बिक्री कर दिया गया है, वो अच्छी बात नहीं है। सभी से आग्रह है, जितने उमरिया शहर के मोबाइल विक्रेता हैं, बिल दे के ही मोबाइल बेचें। मोबाइल खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखें जो ग्राहक है और उपभोक्ता है कि वो बिल ले। बिल लेने से उनको कई प्रकार के फायदे होंगे, क्योंकि मोबाइल गुमेगा तो IMA नंबर से उनका मोबाइल ट्रेस हो जाएगा। मोबाइल भी किसी प्रकार से कमी आएगी तो उपभोक्ता फोरम के माध्यम से या दुकान के माध्यम से रिप्लेस हो जाएगा, वारंटी के अंदर रहेगा। तो उनसे भी आग्रह है कि मोबाइल और इस तरीके से मोबाइल आज की तारीख में खतरनाक वस्तु है, इसको लेने से पहले आप बिल के बारे में बात करें और बिल लें तभी मोबाइल खरीदें। सभी से हमारा ऐसा, जो भी पुराने मोबाइल यहाँ से पाए गए वो रिपेयरिंग वाले मोबाइल थे, जो जियो फोन एक्सचेंज होते हैं पुराने का बटन वाले मोबाइल, वो वाले मोबाइल जो पाए गए हैं, जिनका बिल जियो फोन वाले बिल नहीं लेते हैं, वो वाले मोबाइल उन्होंने जब्त किया। कहा कि इसका बिल दिखाइएगा जो पुराने मोबाइल आपके रिपेयरिंग वाले रखे हुए हैं, उसके बाद हम आपसे आएंगे। मैंने उनको बताया कि रिपेयरिंग वाले मोबाइल हैं जो भी आपने लिए हैं, तो बाकी जो जियो फोन कस्टमर लेते हैं 1000 का, लेकिन बटन वाले मोबाइल भी अच्छे नहीं, वो वाले मोबाइल रखते हैं।